चले आते गाड़ी का डॉक्यूमेंट बता दो आज कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में उस्मान बाग एंड नियर बाय ग्रेव यार्ड्स को कार्डन चेक कराया. उसमें इन एंड 80 पुलिस ऑफिसर्स पुलिस स्टाफ पार्टिसिपेट हुआ. इसके सिलसिला में 50 गाड़ियों को वो जो पेपर्स नहीं हैं जो इलीगल फाइनिंग है उसको 50 गाड़ी को 3 ऑटो को आइडेंटिफाई करा वो डिटेन है. और 6 रवड़ी स्वीट्स को 2 कम्युनल रवड़ीज को वेरीफाई करा. घर में 2 लोग एंटीसीडेंट्स क्या कर रहे अब क्या किसके ऊपर उन्हें जी रहे वो भी वेरीफाई करा. उससे बातचीत हुई अच्छी तरह का जीने के लिए वार्निंग दिया हमारे को. वो लोगों के बारे में जो बात करा वो बातों से हमारे को सेटिस्फाई हुआ. वो लोग इंशाल्लाह ये अब तो कोई ऑफेंस करने का मौका में नहीं है. वो खुला बात करे वो लोगों से. उसमें एक वाजिद बोल के एक 2010 में एक केस था. बाद में केसेस नहीं है. ऑफिसर्स के नज़र में रख के उनका शीट अगर अच्छे तरीक़े से है तो वेरीफाई करके क्लोज करने के लिए कोशिश करेंगे. अगर ये मेन मकसद क्या बोले तो ये एरिया में पब्लिक को भरोसा देने के लिए ये कार्डन एंड चर्च का मेन इंटेंशन है. अगर उतना पुलिस आपके वो लोगों के लिए वो लोगों का प्रोटेक्शन के लिए फिर रहे हमेशा वो लोगों के पीछे आगे रहता बोल के एक मैसेज देने के लिए ये करना पड़े. उसके वास्ते ये जो गाड़ी लाया वो गाड़ी के क्या क्या इलीगल है वो उसको वेरीफाई करके और कानून के तरह हिसाब से उनको डिस्पोज करेंगे. सर रिसेंटली टास्क फोर्स केस डाल के कामाटीपुरा को हैंडओवर करी, लेकिन कामाटीपुरा पुलिस इसके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं करी इससे पहले कंप्लेन आने के बाद? उसको बारे में 2 केसेस करा. उसको पहले भी उनके फरहान बोल के है उनके ऊपर केसेस है उनके ऊपर शीट भी है. आज की बात है कार्डन सर का, लेकिन मीडिया को किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं है. ठीक है वो पीएस का ग्रुप
tension mounted at Sirsala village in Kakasnagar.